दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस की जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में टीवी में अपना करियर शुरू किया। 16 साल की उम्र में शादी की और 17 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बन गई। फिर बहुत ही जल्दी उनका तलाक भी हो गया और फिर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए टीवी इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा मकाम हासिल किया। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकता कपूर के सीरियल में कमोलिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की। आज इस वीडियो में आपको उर्वशी के लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं उर्वशी ढोलकिया की सच्चाई। दोस्तों उर्वशी ढोलकिया एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं। उर्वशी की माँ हाउसवाइफ थी, उनके पिता एक पायलट थे। तकरीबन 1984 की बात है जब उर्वशी 5 साल की थी, उनके घर में उनके पिताजी पहली बार कलर टीवी लेकर आए थे और जब उन्होंने टीवी देखी तो उन्होंने अपनी मॉम से एक ही बात कही कि मुझे टीवी को बाहर से नहीं देखना है बल्कि मुझे टीवी के अंदर आना है। उन्हें नहीं पता था कि कैसे अंदर आते हैं, कैसे शूट होती है, लेकिन मॉम ने उर्वशी की उस बात को माना और जब उर्वशी ने बार बार यही बात अपनी माँ के सामने रखी कि मुझे टीवी के अंदर आना है तो उनके मदर ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनके लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया। उर्वशी एक बार अपने रिलेटिव के यहाँ पर कनाडा गई हुई थी जहाँ उनका एक फोटोशूट किया गया और बाद में इस फोटोशूट को इंडस्ट्री में बांटा गया, जिसके बाद उर्वशी को टीवी इंडस्ट्री में एड फिल्म्स में काम मिलने शुरू हो गए। उन्होंने रेवती के साथ एक लक्स का एड किया था जिसमें उर्वशी चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आई थी। उर्वशी बचपन से ही मल्टीटास्किंग कर रही हैं। तब उन्हें नहीं पता था कि यह मल्टीटास्किंग उनके लिए एक प्रैक्टिस है क्योंकि आगे जाकर लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना है। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वक्त की रफ्तार, इसके बाद जब वो 14 साल की उम्र में थी तब देख भाई देख सीरियल में वो नजर आई थी। ये सीरियल काफी पॉपुलर भी रहा, इस सीरियल ने उर्वशी को भी एक अच्छी खासी पहचान दिला थी। यही वो टाइम था जब उर्वशी को काम करते करते 8-9 साल हो गए थे क्योंकि उन्होंने 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और तब उर्वशी की जिंदगी में एक ब्रेक भी चाहिए थी। दरअसल उस टाइम उर्वशी की जिंदगी में कोई आ गया था, उर्वशी उसे प्यार करती थी और यही कारण है कि उर्वशी ने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली और शादी के एक ही साल में उर्वशी के बच्चे हो गए। यानी इस उम्र में बच्चे स्कूल के एग्जाम दे रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस टाइम पर उर्वशी ने करियर बना लिया था, अपनी पढ़ाई भी की और अब शादी करने के बाद वो माँ भी बन गई थी। उर्वशी की पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आने लगी, उनके हस्बैंड के साथ उनकी बनती नहीं थी और तब उर्वशी ने अपने हस्बैंड से अलग रहने का फैसला लिया। उस टाइम पर उर्वशी को लाइफ ने वो चैलेंज दिया कि उन्हें डिसाइड करना था कि वो अब अपने आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी। जो उनकी शादी अभी हुई थी टूट रही थी और दो बच्चों का क्या होगा, उर्वशी तो खुद एक बच्ची थी, वो कैसे उन दो बच्चों को संभालती। अगर ये दुख उनके लिए कम था तो एक और दुखों का पहाड़ तब उनके ऊपर टूट पड़ा जब उनके पति ने यह कह दिया कि वो दो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उर्वशी ने ट्विंस पैदा किए थे, इनके दो बेटे हुए थे, 17 साल की उम्र थी और शादी उनकी टूट चुकी थी। उर्वशी अब करे तो क्या करे, ऐसे में उर्वशी ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो उन्होंने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने उर्वशी की प्रॉब्लम को समझी और उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये उर्वशी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। उर्वशी अपने छोटे बच्चों को लेकर फिर से अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई। हालांकि वो पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और ऑप्शन भी कुछ नहीं था। ऑलरेडी उर्वशी अपने साथ दो बच्चों को लेकर आई थी और जो उनके पिता थे वो भी रिटायर होकर घर में बैठे थे। मदर हाउसवाइफ थी तो उर्वशी को काम तो करना ही था। बच्चों को मम्मी के भरोसे छोड़ा और फिर उर्वशी ने इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया और जो काम मिलता वो काम करती रहती। उसी दौरान बच्चों की कुछ स्कूल फीस उन्हें भरनी थी, 3,000 रुपये का यह अमाउंट था जो उर्वशी को भरना था। उसके लिए उर्वशी ने अरेंजमेंट भी कर लिया था, उन्होंने टीवी सीरियल के एक एपिसोड का पायलट शूट भी किया था जिसके लिए उनकी फीस 3,000 रुपये थी। तो उस दिन उर्वशी की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी लेकिन प्रोड्यूसर ने आधे पैसे ही दिए, यानी 1,500 रुपये ही दिए। उस दिन उर्वशी काफ़ी सोच में आ गई कि 1,500 तो आ गए, बाकी के 1,500 कैसे लाऊंगी, बच्चों की फीस कैसे भरूंगी। ये वो समय था दोस्तों जब उर्वशी 20 साल की थी। उर्वशी का कहना है कि उन्हें इस तरह के चैलेंजेस उन्हें लाइफ में कई बार झेलने पड़े और कई बार उन्हें ऐसे बुरे ताने भी सुनने पड़े जिससे कि कोई आम इंसान होता तो टूट जाता।
उर्वशी ने कहा कि लोगों ने यह तक कह दिया था कि अगर पैसे नहीं थे तो इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। एक टाइम ऐसा आया जब उर्वशी ने इन तानों को जिंदगी का हिस्सा मान लिया और इन्होंने इस बात के साथ समझौता कर लिया कि ये तो होना ही है। सोसाइटी ऐसा कहेगी ही, आपको किसी भी कारण अपने काम को नहीं छोड़ना है। और इस तरह के डेडिकेशन के साथ जब उर्वशी आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं उनके इस डेडिकेशन का फायदा हुआ, उनके काम में और ज्यादा निखार आया, फ्री माइंड वो काम करने लगी और ज्यादा काम करने लगी। इसी दौरान उर्वशी ढोलकिया एक सीरियल में काम कर रही थी, कभी सौतन कभी सहेली। ये सीरियल एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस का था। तब एकता कपूर के प्रोडक्शन में कई सीरियल चलते थे। इसी दौरान एकता कपूर एक नया सीरियल बना रही थी, उसके लिए उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। ये सीरियल था कसौटी जिंदगी की और इस सीरियल के लिए उन्हें एक नेगेटिव किरदार की जरूरत थी, एक फीमेल लीड जो नेगेटिव किरदार निभाए। उसी टाइम उर्वशी ढोलकिया एकता कपूर के केबिन में गई तो एकता कपूर ने देखते ही कहा, तो ये रही मेरी कमोलिका। हालांकि उर्वशी ये रोल करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि इंडस्ट्री टाइप कास्ट करती है, अगर आपने एक नेगेटिव किरदार कर लिया तो आपको आगे जाकर नेगेटिव किरदार तो मिलेंगे ही लेकिन पॉजिटिव रोल्स कोई नहीं देने वाला है। यही कारण है कि उर्वशी इस रोल को करने के लिए आनाकानी कर रही थी, लेकिन टीम ने समझाया। एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर ने बैठकर अच्छे से उनका कैरेक्टर उर्वशी को समझाया। तब उनका स्क्रीन और लुक टेस्ट हुआ। इसके बाद उर्वशी मान गए कि वो इस किरदार को निभाएंगे। उर्वशी को ये नहीं पता था कि यह किरदार उनकी जिंदगी बदल देगा। इस किरदार में सिर्फ कैमरे पर आकर डायलॉग से नहीं बोलने थे, इस किरदार के अपनी एक छवि थी और एक ऑरा था। फीमेल वैम का यह किरदार जो सिर्फ कटाक्ष भरी बातें ही नहीं बोलती थी, ताने ही नहीं बोलती थी, बल्कि उसका गेटअप भी बहुत प्यारा था। कमोलिका ने एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री में शुरू कर दिया, डिजाइनर ब्लाउज का, डिजाइनर बिंदियों का, आई मेकअप का, और फिर वो कमोलिका की जो स्टाइल थी, जुल्फों को मरोड़ते हुए अपनी डायलॉग्स बोलना, वो एक अलग ही छवि छोड़ती थी। कमोलिका का काम होता था लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी करना और अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना, षड्यंत्र रचना, बातों में उलझाना और अपनी अदाओं से रिझाना। कुछ ही समय में कमोलिका का यह किरदार लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। इस शो का यह किरदार बहुत पसंद किया गया। इस शो ने उर्वशी ढोलकिया को न सिर्फ एक बड़ी पहचान दिलवाई बल्कि उनकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी या बच्चों के लिए जो फेस की दिक्कतें थी, वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गई थी। अब उर्वशी ढोलकिया न सिर्फ अपने बच्चों की देख रेख कर पा रही थी बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए उनकी भी देखभाल कर रही थी। हालांकि उर्वशी के लिए अब जिंदगी आसान नहीं थी, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, वो फुल टाइम काम में बिजी रहती थी, बैक टू बैक शिफ्ट में काम क्या करते थे। इसलिए तब उर्वशी ने अपने बच्चों को दिल पर पत्थर रखकर बोर्डिंग स्कूल भेजा। हालांकि बच्चों से दूर तो हुई लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि इस दूरी का फल जरूर मिलेगा, बच्चों का करियर बन जाएगा। तो उधर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा और इधर उर्वशी अपने इस नए सफर पर निकल पड़े। 7-8 सालों तक ये सीरियल चला था। उर्वशी के किरदार को बहुत पसंद कर लिया गया था लेकिन इस किरदार की छाप इतनी गहरी छुटी कि उर्वशी ने अपने इस इमेज को चेंज करने की बहुत कोशिश की और उसमें इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और इंडस्ट्री ने इन्हें टाइप कास्ट किया। कमोलिका वाले रोल के बाद उर्वशी को ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही ऑफर हुए, इसलिए एक टाइम पर अपनी इमेज को ब्रेक करने के लिए उर्वशी ने कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया ताकि वो कॉमेडी के जरिए जो कमोलिका वाली छाप है उसको मिटा सके, लोग उनके नेगेटिव इमेज को भूल जाएं। 2012 में उर्वशी ढोलकिया ने बिग बॉस के शो में नजर आए और इस बार वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की नजर आए और इस शो में उन्हें इतना पसंद किया गया कि वो इस शो की विनर बने, जहां उर्वशी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उनके फैंस, उनकी फैमिली सब खुश थे। वही इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो विनर घोषित किया गया है यह पहले से ही फिक्स्ड था, यह और कोई नहीं बल्कि गौहर खान ने कहा था। उर्वशी के बिग बॉस जीतने पर गौहर खान ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस शो में हर बार टीवी एक्ट्रेस ही जीत रहे हैं, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट था टीवी एक्ट्रेस वर्सेस आम जनता, दोनों शो में होंगे तो ऐसे में हर बार टीवी एक्ट्रेस ही क्यों जीतते हैं। उर्वशी तब तो चुप रही लेकिन अगले सीजन में जब गौहर खान इस शो में नजर आए और उन्होंने इस शो को जीता तो उर्वशी ने गौहर खान का वही ट्वीट याद दिलाते हुए उन्हें कहा कि जैसा पिछली बार हुआ वैसे ही इस बार हुआ है, कि कैसे इस बार भी इस शो के लिए टीवी एक्ट्रेस को ही प्राइज दिया गया। इस बार गौहर खान को पता चल गया कि उनसे गलती हो गई थी और तब उन्होंने इस लड़ाई को उर्वशी के साथ खत्म की। उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया।
वैसे उर्वशी ढोलकिया इंडस्ट्री में इतनी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहती नहीं है, लेकिन ये एक कंट्रोवर्सी है जो उनके नाम हुई थी। उर्वशी ढोलकिया अपने पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्रोटेक्टिव रखती हैं। इनफैक्ट आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि उर्वशी ढोलकिया की शादी किस शख्स से हुई थी और वो शादी आखिर टूटी क्यों थी। इंडस्ट्री में रहने के दौरान जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं, वहीं उर्वशी ढोलकिया को नया पार्टनर ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि वो अपने करियर में और अपने बच्चों की देखरेख में बहुत ज़्यादा बिजी थी। जिम्मेदारियां बहुत थी, इसलिए खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाई। हालांकि इसी बीच उनका नाम साजिद खान के साथ जोड़ा गया था। साजिद खान जो कि एक डायरेक्टर है, उनके लिए कहा गया कि इन दोनों उर्वशी ढोलकिया उनके बेहद क्लोज है। लेकिन इस बात को उर्वशी ढोलकिया ने खारिज किया और उन्होंने कहा कि साजिद खान को मैं सालों से जानती हूँ और 2014-15 के आसपास उनका साजिद खान से मिलना सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उर्वशी ढोलकिया का जो बेटा है वो साजिद खान को असिस्ट कर रहा था और उसी सिलसिले में साजिद खान से उनकी मुलाकात हुई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसी बीच उर्वशी ढोलकिया का एक रिलेशनशिप रहा अनुज सचदेवा के साथ। उर्वशी और अनुज को कई जगह स्पॉट किया गया, अक्सर दोनों गोवा हॉलीडेज पर भी जाया करते थे और तो और दोनों नाच बलिए के 2019 वाले सीजन में पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन अनुज सचदेवा के साथ उर्वशी ढोलकिया का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि अनुज की मदर इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो ऑलरेडी दो लड़कों की मदर है। हालांकि अब उर्वशी ढोलकिया काफ़ी सिक्योर है, उन्होंने लंबे समय तक इंडस्ट्री को टाइम दिया है और कंटिन्यू इस इंडस्ट्री में सर्वाइव भी किया है। और यहाँ तक बात करें उनकी बेटों की तो आज उनके वो दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं। उर्वशी अपने बेटों के साथ अक्सर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती नजर आती हैं और ये वीडियोज उनके सक्सेस का प्रमाण है कि किस तरह से 17 साल की उम्र में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोनों बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत की और आज के डेट में दोनों बच्चे जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की तैयारी में हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहे हैं। सागर और क्षितिज इनके दोनों बेटे का नाम है। उर्वशी ढोलकिया के लाइफ में हर चीज थोड़ी जल्दी हुई, उन्होंने काम करना जल्दी शुरू किया, 6 साल की उम्र से वो काम कर रहे थे, उनकी शादी जल्दी हुई, 16 साल की उम्र में शादी हो गई, 17 साल की उम्र में वो माँ बन गए। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आए, उनका तलाक शादी के 1 साल के बाद ही हो गया था, वो भी तब जब वो 2 बच्चों की मदर थी। इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी चैलेंजेस होने के बावजूद उर्वशी 2 मेन रीजंस के कारण इन चैलेंजेस से उभर पाई। पहला रीजन तो ये था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, पैसों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। उन्होंने 6 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था, पैसा कमाना वो जानती थी और इंडस्ट्री में एक लंबा समय बिता चुकी थी। नो डाउट उनके बच्चे हो गए थे, जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन काम उन्होंने उसके बाद बहुत किया और मेहनत भी बहुत की, इसलिए वो सरवाइव कर पाए। और दूसरा रीजन है पेरेंट्स का सपोर्ट। अक्सर ऐसा उर्वशी के साथ हुआ, वैसे किसी और लड़की के साथ होता तो पेरेंट्स घर में रखने के लिए मना कर देते हैं। सोसाइटी का डर होता है, इन बातों को छुपाया जाता है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उर्वशी के पेरेंट्स ने इन सब चीजों की परवाह नहीं की और अपनी बच्ची को फिर से एक्सेप्ट किया। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट उर्वशी का एक नया जन्म था। उर्वशी अपने माँ बाप के सपोर्ट के कारण ही एक सफल माँ बन पाई। तो ये थी कहानी उर्वशी ढोलकिया की।